नेल्सन हॉस्पिटल में पहली बार ऑटोमेटिक नियोथर्म मशीन लगाई गई है। पत्र परिषद में डॉक्टर नीलेश दारवीकर ने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है और वह रोता नहीं है तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। मुख्य रूप से मस्तिष्क को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा शरीर में तापमान असंतुलित होने की समस्या हो सकती है। ऐसे में मृत्यु व दिव्यांगता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन समस्याओं से बच्चों को बचाने के लिए अनकंट्रोल मशीनें हैं, लेकिन अब नेल्सन अस्पताल में पहली बार फुली ऑटोमेटिक नियोथर्म मशीन आ चुकी है। इससे हाइपोक्सिया ग्रस्त नवजात बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ रखा जा सकता है। उसके शरीर के तापमान व ऑक्सीजन का स्तर संतुलित रखा जा सकता है। डॉक्टर गिरीश चड्डे ने कहा कि ऐसी मशीनें सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लगानी चाहिए। सरकार इस मशीन को लगाने के लिए आर्थिक सहयोग करे। इस मशीन की कीमत कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चेयरमैन डॉक्टर सतीश देव पुजारी ने बताया कि नेल्सन हॉस्पिटल सभी के लिए रोल मॉडल बने, इस दिशा में पूरा प्रयास किया जाता है। नवजातों के लिए इस हॉस्पिटल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर सोनल कुमार भगत ने कहा कि टर्सरी केयर सेंटर होने से यहां सर्वाधिक गुणवत्तापूर्ण सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल कुमार भगत, सेंटर नेल्सन हॉस्पिटल। आज हम लोगों ने ये नियोथर्म मशीन जो है बर्थ एस्फिक्सिया या कंट्रोल्ड बॉडी टेम्परेचर करने के लिए ये मशीन है जिसका इनॉग्रेशन हम लोगों ने किया है नेल्सन हॉस्पिटल में। नागपुर में फर्स्ट टाइम ये मशीन हम लोगों ने लेके आए हैं। बहुत सारे एक स्पेसिफिक बच्चों के लिए जिन्हें ब्रेन डैमेज बर्थ के बाद अवॉइड करना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि है जो ये मशीन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम नागपुर में अपने यहाँ लेके आए हैं। मैं डॉक्टर नीलेश दारवेकर हूँ, मैं यहाँ पर नियोनेटोलॉजी देखता हूँ। ये मशीन जो बच्चे जन्म के वक्त रोते नहीं हैं और जिनको ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है या फिर ब्लड सप्लाई कम होता है, उनके ब्रेन डैमेज को अवॉइड करने के लिए या कम करने के लिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है। अगर ऐसा कोई बच्चा अगर 6 घंटे के अंदर हमारे अस्पताल में आता है और उसको अगर ये ट्रीटमेंट मिल जाता है तो स्टैटिस्टिक के हिसाब से अगर देखें तो 25% तक उसके ब्रेन डैमेज का और जो डेथ रेट है उसको अपन कम कर सकते हैं। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये रिकमेंडेड है। और इसकी खासियत ये है कि ये टेम्परेचर को बराबर जो रेंज में हम रखना चाहते हैं उसी रेंज में रखते हैं, ना उससे कम होता है ना ज़्यादा होता है। और इसके पहले जो फर्स्ट जनरेशन्स जो मशीनें थी उसमें ये कंट्रोल्ड नहीं रहता था, मतलब उसमें टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस रहते थे। ये मशीन में आने के कारण वो डर हमारा निकल गया है और ये डेफिनेटली जो बर्थ एस्फिक्सिया के बच्चे हैं जो जन्म के वक्त रोए नहीं हैं उनमें काफ़ी फ़ायदे की साबित होंगे। मैं डॉक्टर सतीश देव पुजारी। तो जैसे भी डॉक्टर नीलेश ने आपको बताया कि ब्रेन डैमेज एट बर्थ प्रिवेंट करना ये बहुत ज़रूरी और अहम हम सब का कर्तव्य है। इस मशीन से अबाउट 25-30% ये चीज़ हम लोग कम कर सकते हैं और ये अभी स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस में आया है इंटरनेशनली। ये बात ज़रूर है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा बच्चे बचेंगे या हर बच्चा उसमें से नॉर्मल आएगा, ऐसा नहीं है, मगर ब्रेन का डैमेज कम करने में इसका अहम काम है, ये तो पक्का है। और उस दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होगा कि एक ट्रेंड सेट होगा कि भाई यदि बच्चे नहीं रोते हैं तो टाइम ले, ये इस तरह से इंटरवेंशन करने में फ़ायदा हो सकता है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।